फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। मेरा नाम है जरीन खान। मेरे चैनल जेड के यूनिक कुकिंग में मैं आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं एक ऐसी रेसिपी जिसका हम हर डेजर्ट में यूज करके हमारे किसी भी डेजर्ट को, सादे से सादे डेजर्ट को फ्लेवरफुल बना सकते हैं। और इसे सिर्फ हम 5 चीजों से बनाएंगे। इसे बनाकर हम 1 से 2 महीने के लिए फ्रीज में स्टोर करके रख सकते हैं। आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसमें यूज होने वाली चीजों को हम पहले देख लेते हैं। मैंने लियो यहाँ पर 2 कप दूध। ये दूध बॉईल किया हुआ है, अगर आप चाहे तो कच्चा दूध भी ले सकते हैं। ये लियो मैंने 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर। ये लियो मैंने कॉर्न स्टार्च 1 टेबल स्पून। ये लियो मैंने 2 टेबल स्पून शुगर। ये लियो मैंने 1 टेबल स्पून एंड 1/2 टेबल स्पून मावा खवा। आइए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। मैंने गैस पर एक पतीला रख चुकी हूँ। अब हम इसमें डालेंगे मिल्क। मेरा मिल्क 2 कप के आसपास है। अब हम इसे एक बॉईल आने देंगे। ये देखिए हमारे मिल्क में, हमारे दूध में बॉईल आ चुका है। अब हम इसमें शक्कर ऐड करेंगे। शक्कर मेरी 2 टेबल स्पून है। अगर आप और मीठा खाना चाहते हैं तो इसे बढ़ा सकते हैं। अब मैं डालूंगी ये मावा। ये देखिए हमारा दूध बॉईल हो रहा है। तब तक के हम ये कॉर्न स्टार्च में थोड़ा सा ठंडा मिल्क डाल के मिक्स कर लेते हैं। ये 1 टेबल स्पून के आसपास मिल्क है। ये गरम नहीं है, ये बिल्कुल ही ठंडा है। अगर हम गरम मिल्क डाल के कॉर्न स्टार्च को मिक्स करेंगे तो उसमें लम्स पड़ जाएंगे। अब हम ये देखिए हमारा खवा, हमारा मावा और शुगर मिल्क सब एक हो चुके। अब हम इसमें कॉर्न स्टार्च का जो मिक्सचर हमने बनाकर रखे थे वो ऐड करेंगे और सरिका हिलाते हुए हम मिक्स करेंगे इसमें। अब हम इसमें ये जो इलायची पाउडर है ये मिक्स करेंगे और इसे सरिका हिलाते हुए पकाएंगे। मीडियम आंच है हमारे गैस की। ये देखिए हमारा दूध माशाल्लाह कितना अच्छा बॉईल हो चुका है। अब हम इसे बॉईल होते हुए 5 मिनट तक अच्छे से हो चुका है हमारा। अब हम इसका गैस बंद करते हैं और इसे एक जार में ठंडा होने के बाद भरकर हम फ्रीज कर सकते हैं। ये देखिए हमारी रबड़ी, हमारा डेजर्ट बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप भी इसे जरूर बनाइए और इसे जब भी बनाएंगे इसे ज्यादा क्वांटिटी में बनाकर आप फ्रीज कर सकते हैं। आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। चलती हूँ, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिए अपने और अपने अपनों का, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। चलती हूँ, अल्लाह हाफिज।